आइसक्रीम मिल्क शेक बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बड़ा पैक आइसक्रीम का लिए हैं, ये बटर स्कॉच आइसक्रीम है। और साथ ही यहाँ हम चीनी लिए हैं और एक लीटर दूध को हम यहाँ फ्रीजर में रखकर एकदम अच्छी तरह से ठंडा कर लिए। तो दूध में जैसा कि आप देख रहे हैं बर्फ़ भी इसमें जम गया है, तो हमें ऐसा ही ठंडा दूध चाहिए। तो अब हम मिक्सी जार लेंगे, मिक्सी जार में हम यहाँ 2 से 3 चम्मच आइसक्रीम डालेंगे। आइसक्रीम आप कोई सा भी फ्लेवर अपने चॉइस के अनुसार ले सकते हैं, तो आपको जो मन हो आप घर का भी बना हुआ आइसक्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ 2-3 चम्मच हम मिक्सी जार में आइसक्रीम डाल लेते हैं। साथ ही इसमें हम 1/2 कप के करीब चीनी डालेंगे और 1 गिलास इसमें हम दूध डालेंगे और इसे अब मिक्सी में हम इसे चलाते हैं। ये जो मिल्क शेक, जो आइसक्रीम मिल्क शेक बना रही है, काफ़ी महंगा होता है मार्केट में। ये 1 गिलास का रेट पटना शहर की, जैसे कि बात करें मैं पटना से हूँ, तो पटना शहर में ये आइसक्रीम मिल्क शेक का 1 गिलास का रेट है 250 रुपीज़ 1 गिलास। तो काफ़ी महंगा मिलता है मार्केट में, लेकिन आप घर में इसे इसलिए बिल्कुल मार्केट के टेस्ट का आप घर में बनाइए और काफ़ी कम कॉस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा ग्लासेस आपके घर में बन के तैयार हो जाते हैं, तो ये काफ़ी टेस्टी होता है। तो आप लोग ज़रूर इसे बनाइएगा एक बार, काफ़ी अच्छा लगता है गर्मी के दिनों में इसे पीने में। तो यहाँ देखिए एक बार हम ये चला लिए हैं आइसक्रीम, दूध और चीनी को मिलाकर। अब फिर हम इसमें थोड़ी सी आइसक्रीम, 2-3 चम्मच आइसक्रीम फिर इसमें हम डालेंगे। तो जैसा कि देखिए ये भी काफ़ी पतला है, तो हम इसमें 2-3 चम्मच आइसक्रीम फिर डालते हैं, फिर बारी से इसमें बारी बारी से दूध डालेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दिव्या कुमारी ब्यूटी टैलेंट। तो यहाँ 2 चम्मच आइसक्रीम हम इसमें फिर डाल दिए, 2 से 3 चम्मच, और फिर थोड़ा सा दूध हम इसमें फिर डालेंगे और 1/2 चम्मच हम 1/2 कप के करीब हम चीनी पहले डाले थे और मतलब चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, क्योंकि आइसक्रीम डालने से खुद भी मीठा हो जाता है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 कप चीनी पूरा ही प्रयोग कीजिए, वरना 1 कप चीनी भी काफ़ी ठीक लगेगा। तो इस तरीके से मेरा जितना भी पिघला हुआ दूध था वो सारा इसमें हम दूध डाल दिए और दूध का जो बर्फ़ जम गया है उसके भी क्यूब्स तोड़ कर हम इसमें डाल देते हैं। एक ही बार में हम पूरा क्यूब्स दूध का नहीं डालेंगे, इससे मिक्सी की प्लेट ख़राब होने का डर होता है, इसलिए ऐसा गलती मत कीजिएगा। थोड़ा क्यूब्स अभी डाले हैं, फिर हम एक बार और इसे चलाएंगे, फिर ऐसे बारी बारी से रुक रुक कर आपको मिक्सी चलाना है। इससे होता ये है कि आपका जो शेक का जो फेन है ना वो बरकरार रहता है, फेन आपका टूटता नहीं है। तो इसलिए रुक रुक कर शेक बनाते समय अब रुक रुक कर मिक्सी चलाइए, तो इससे आपका झाग जो होता है वो बिल्कुल रहता है। तो जैसा देखिए आप कितना झाग है इसमें, एकदम काढ़ा सा हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, 1 गिलास या 1/2 गिलास आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ दूध आइसक्रीम और चीनी का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो बचे हुए दूध के जितने क्यूब्स थे वो भी डाल दिए हैं और बचा हुआ पूरा 1 लीटर दूध हम इसमें प्रयोग कर लिए हैं और 1 लीटर का ही ये 1 kg का आइसक्रीम का पैक था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा आइसक्रीम भी हम यूज कर लिए और पूरा दूध भी यूज कर लिए। साथ ही थोड़ा सा चीनी, 1/2 कप चीनी पहले दिए थे, 1/2 कप चीनी अभी फिर दिए, तो 1 कप के करीब मेरा इसमें चीनी लगा है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1/2 कप और डाल लीजिए, 1.5 कप ले लीजिए तो वो भी अच्छा लगेगा। बच्चे को तो ऐसे भी बच्चों को मीठा पसंद आता है, लेकिन बात अगर बड़ों की है तो वो आप थोड़ा कम मीठा कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है, एकदम क्रीमी क्रीमी, एकदम काढ़ा सा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे आपको ग्लास में निकाल करके भी दिखाते हैं, सर्व करके भी दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ग्लास में भी कुल मेरा 1 लीटर दूध और 1 लीटर आइसक्रीम से मेरा ये 5 गिलास बनकर तैयार हुआ है।
और यहाँ मेरे पास शीशा का भी बोतल था। तो ये आइसक्रीम मिल्क शेक का ही बोतल है जो हम आपको जैसा पहले भी बताए कि वो उसी का बोतल मेरे पास था, तो उसमें भी हम डाल दिए और कुछ ग्लास में भी डाल दिए। आप इसे चाहे तो आइसक्रीम से, टूटी फ्रूटी से, चेरी से, और या फिर ड्राई फ्रूट्स के कतरन से भी सजा कर आप इसको डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। इसमें आप चाहें तो फालूदा भी डाल सकते हैं, चेरी, फालूदा, ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी, अगर आप आइसक्रीम बचा कर रखते हैं, तो हम तो पूरी आइसक्रीम यूज कर दिए, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी आइसक्रीम बचा कर रखिएगा और फिर ग्लास के ऊपर थोड़ा सा आइसक्रीम डाल लीजिएगा, तो वो और भी अच्छा लगता है। तो ये आपके ऊपर है, आप डेकोरेट अच्छे से डेकोरेट करके आप इसे सर्व करके पी सकते हैं। तो अपने लिए पीना था इसलिए हम यहाँ पीना डेकोरेट का ही ना आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। अगर आप इसे दूसरों को सर्व करते हैं तो अच्छे से डेकोरेट करके सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, पीने में बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।